हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज वो दिन आ चुका है जब हम अपने चैनल का पहला ऑफिशियल व्लॉग करने जा रहे हैं। जिग्नेश पटेल जी, आप तो बहुत खुश होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:45 और अपनी है 12:15 की फ्लाइट। फ्लाइट होगी जम्मू एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट, फिर दिल्ली एयरपोर्ट से हैदराबाद एयरपोर्ट। हैदराबाद से हम एक कैब या फिर बस करके जाएंगे जो कि हमें अपनी डेस्टिनेशन बिदर तक पहुंचा देगी। ठीक 7 बज चुके हैं, तो चलो अब करते हैं दिन की शुरुआत। शुरुआत होगी कसरत के साथ। गाइस, अब पियेंगे पानी। चीयर्स। अब हम खाएंगे अपनी पहली मील। दही सुबह सुबह खाने का रीज़न ये है कि दही हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज करता है, जो कि पूरे दिन डाइजेशन को बरकरार रखने में मदद करता है। तो लेट्स एंजॉय अवर दही। लोगों ने लॉकडाउन में अभी तक फ्लाइट्स का इस्तेमाल नहीं किया, उन्हें बता दें कि अभी बैगेज टैग वेब चेक इन करना पड़ता है फ्लाइट में जाने के लिए, तो अभी बहुत टीडियस हो गया जॉब, तो आपको 2-4 दिन पहले से ही तैयारी करके रखनी पड़ती है। हमने वो सब बैगेज टैग और फ्लाइट चेक इन वगैरह करके रख दिया है, तो अब बस एयरपोर्ट जाना है और वो भी 2 घंटे पहले जाना अब कंपलसरी हो चुका है, क्योंकि ड्यू टू सेफ्टी रीजंस वहाँ पे मास्किंग वगैरह वो सब किट वगैरह प्रोवाइड होती है। तो लाइक एवरी इंडियन फैमिली, हमने 10 घंटे पहले ही अपना बैग तैयार कर लिया है अपना बैग, और ये है वो टैग जिसकी मैं बात कर रहा था। ये टैग आपको पहले से ही निकाल के रखना है। और अब बैगेज की रिस्ट्रिक्शंस भी चेंज हो गई हैं। पहले 15 किलो और 7 किलो का रिस्ट्रिक्शन रहता था, और कुछ कुछ फ्लाइट में 25 किलो आप चेक इन बैग ले सकते थे और 7 किलो का आप हैंड बैग ले सकते थे, बट कोविड के चलते अब रूल्स चेंज हो चुके हैं, तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 kg का एक कैरी बैग, जो कि ये मेरा बैग है, ये 20 kg का एक बैग है, और ये है मेरा हैंड बैगेज जो कि अप्रोक्सीमेट 5 किलो तक का है। तो वी आर गुड ऑन द वेट। नर्ड, आई प्रेफर द टर्म इंटेलेक्चुअल बैडेस। टाइम हो चुका है 7:40। अब हम करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम, जो कि है इज द टाइम नाउ एंड नाउ वी गो टू वर्क। तो गाइज, अब नहाने का समय आ चुका है। नहा धो के तैयार होके रेडी होके निकलने की तैयारी अब शुरू करते हैं। अब हम चलते हैं खाना खाने। गाइस, लंबे रास्ते के लिए खाना पैक्ड। खाना वाना हो चुका है, अब होंगे ट्रांसफॉर्म। आ चुका है जाने का समय। समय हो चुका है 10:30। बाय बाय बाय।
एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट हम, और एयरपोर्ट में बहुत लंबी कतार को पार करके अब अंदर जाएंगे और इंतज़ार करेंगे अपनी फ्लाइट का। और ये है जम्मू एयरपोर्ट। ये ईशान सर है हमारे साथ, इंटरनेट ब्रिम्स। और हम आ चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट का इंटरनेशनल टर्मिनल T3 टर्मिनल, कन्याएं सुंदर।
गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट। जम्मू से स्टार्ट किया था, अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज चुके हैं, 2:30 से थोड़ा ज़्यादा ही हो चुका है। तो अब काफ़ी भूख लग रही है इतने लंबे ट्रैवल के बाद, तो अब हम थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे। 2 घंटे का वेट है, तो उसके बाद हमारी 5:15 बजे हैदराबाद के लिए दूसरी फ्लाइट है यहाँ से। तो लेट्स स्टार्ट ईटिंग। हो गए हैं 3:20, अब हम जा रहे हैं अपनी बोर्डिंग गेट की ओर। खाना शाना सब डन हो चुका है। अभी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल टर्मिनल 3 पर हैं हम, जो कि काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है क्योंकि इसके 3 टर्मिनल हैं, T1, T2, T3। हम 3rd पे हैं, तो 3rd से पता चली गया, पहले 2 हैं। तो ये इंटरनेशनल है तो ये काफ़ी बड़ा है, तो इसके काफ़ी सारे बोर्डिंग गेट है, तो हम उनमें से एक पर जाएंगे जहाँ पर हमारी फ़्लाइट होगी। तो मिलते हैं आगे। पहुंच चुके हैं हम हैदराबाद एयरपोर्ट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो अब हम जाएंगे बाहर कैब लेंगे। कैब बुक हो चुकी है, पहले तो 6 नंबर बैग से हम लगेज कलेक्ट करेंगे। और अभी बहुत मौसम ख़राब है, और अभी ठीक गए, पूरे सर्जन का कोट दे के रखा हुआ है इन्होंने, उनको लगता है ये कोट पहनने से कोरोना वायरस नहीं फैलेगा। मास्क खोल के खाना खा रहे थे लोग अंदर, उससे तो एकदम मतलब प्रोटेक्शन है यहाँ पर। तो इतने तो आगे बने रहिए, अभी वो चलेगा। यहाँ पे कलेक्ट करेंगे हम अपना लगेज, जो कि चेक इन किया था सुबह जम्मू में। जम्मू से हैदराबाद, हैदराबाद तो तकरीबन 2000 किलोमीटर हो चुके हैं, और हालत बहुत ख़राब है, थक से गए हैं। तो अब सीधा जाके कैब में बैठना है, 3 घंटे का और सफ़र है बिदर तक का, काफ़ी लंबा राइड है ये घर से हॉस्टल। कुछ लोग आधे घंटे में पहुंचते हैं, कुछ लोग 1 घंटे में, अपने को 12 घंटे लग जाते हैं। तो वेट करते हैं बैग का। अब जा रहे हैं एग्ज़िट की ओर, एग्ज़िट पे खड़ी है हमारी कैब, और साथ में थोड़ा नाश्ता पानी भी लेके चलेंगे, पानी ज़्यादा।
खाना पीना कर दिया गया है ऑर्डर, क्योंकि अभी और 3-4 घंटे का रास्ता बाकी है तो भूख लग सकती है, इसीलिए बैक टू कॉलेज सक्सेस। अब हम एग्ज़िट कर रहे हैं शमशाबाद एयरपोर्ट, अपनी डेस्टिनेशन की गाड़ी की ओर चलते हुए धीरे धीरे इस ठंडे मौसम में, क्योंकि हमें अपनी डिग्री बहुत प्यारी है, जान से भी ज़्यादा। निमोनिया का ख़तरा नहीं है मगर MBBS करना है पूरा। तो हम चलते चलते अपनी मंजिल की ओर, हाथ में खाना लिए वापस से सर। या बारिश के मौसम में वेट करते हुए स्विफ्ट का, गाड़ी स्विफ्ट है। हम चल चुके हैं अब हैदराबाद एयरपोर्ट से बिदर की ओर और कैब में बैठे हुए हैं। अब थोड़ा नाश्ता पानी करके, पानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फुली डिहाइड्रेटेड, बहुत ही लंबा रास्ता था ये आज, स्पेशली थोड़ा ज़्यादा थकावट हुई क्योंकि शायद इतने दिनों से घर पे आलसी की तरफ पड़े हुए थे, तो अब अचानक से इतना दौड़ भाग हो गया तो जेट लैग, डोमेस्टिक जेट लैग भी फील होता हुआ थोड़ा सा। तो अब आशा करते हैं कि ये जल्द से जल्द पहुँचेंगे और वहाँ फटाफट जाके सो जाएंगे। ये था आज का व्लॉग, फट के हाथ में आ गई इस व्लॉग में। सुबह निकले थे 10 बजे के करीब और अभी टाइम हो रहा है 11:20 रात के, इतना टाइम लगता है घर से हॉस्टल पहुंचने में। अभी करेंगे आराम क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। थैंक यू पूरा व्लॉग देखने के लिए, मिलते हैं अगली बारी। और अगर इस चैनल पर नए हो तो पहले तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो अगर ये वीडियो पसंद आया तो, और मिलते हैं अगली बारी, तब तक के लिए Take care.